सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप चलो आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है हमारे चैनल टीच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में हम जो ये 200 वाट के मोनो एम्पलीफायर को अपने 4 इंच के सबवूफर के साथ टेस्ट करने वाले। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते होंगे। अगर आप लोगों को इस एम्पलीफायर का अनबॉक्सिंग और डेडिकेटेड वीडियो देखना है तो आप लोग यहाँ आई बटन में जाकर के इसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को इससे रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ये क्या एम्पलीफायर है, कितने का आता है। ठीक है, मैं आपको बेसिक बस बता देता हूँ। ये जो है 2SC5200 बेस्ड एम्पलीफायर है, 200 वाट का इसमें टोटल आउटपुट आप लोग मिल जाता है। ठीक है, और इसको ऑपरेट करने के लिए आज हम फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं अपना 30 10 MVA का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इसका ये पावर सप्लाई मॉड्यूल है और साथ में अपना ये प्री एम्पलीफायर है। ठीक है, तो ये सब अपन यूज़ करने वाले हैं आज इसको ऑपरेट करने के लिए एम्पलीफायर को। और एम्पलीफायर के आउटपुट में आप लोग फ्रेंड्स आराम से 12 से 15 इंच का सब वूफर या वूफर जो भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज अपन यूज़ करने वाले 4 इंच का स्टार पार का सब वूफर, जो कि आप लोगों को ये अमेजोन वगैरह पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। इसमें आप लोग डिटेल देख सकते हैं, 35 वाट नॉमिनल है इसका, 60 वाट इसका मैक्स है। ठीक है, तो हम फ्रेंड्स इसको एकदम कम वॉल्यूम पे ऑपरेट करेंगे, नहीं तो ये स्पीकर को आसानी से उड़ा सकते हैं ये एम्पलीफायर। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो अभी फ्रेंड्स अपन इसका टेस्टिंग को शुरू करेंगे, सिंपल, ज़्यादा कुछ आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें बस अपन ये ऑडियो इनपुट दे देंगे प्री एम्पलीफायर से यहाँ पर एम्पलीफायर में, और इसको अपन अभी यहाँ पे मोबाइल को कनेक्ट करके इसको ऑपरेट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये साइज का सबवूफर जो है आपके 2.1 होम थिएटर या 4.1 में यूज़ होता है बेस मारने के लिए। ठीक है, तो ये उसी काम का है, ये सबवूफर है सिर्फ बेस के लिए ये यूज़ होता है, लेकिन आज अपन इसमें इस बोर्ड के थ्रू से साउंड भी देंगे और देखेंगे, अलग अलग तरीके से चेक करेंगे। कभी बेस एकदम फुल रहेगा, ट्रेबल लो रहेगा, कभी ट्रेबल फुल रहेगा और कभी दोनों मीडियम पे रहेंगे, ऐसे टाइप का इसको टेस्ट करने वाले अपन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए इस टेस्टिंग को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे पूरा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे NCS का मैंने सॉन्ग को यहाँ पे पॉज करके रखा है, इसको मैं प्ले करूंगा तो अपना साउंड यहाँ पे स्पीकर में चालू हो जाएगा। और मैं आप लोग को दिखा दूँ फ्रेंड्स इसका प्री एम्पलीफायर में, इसका ये ट्रेबल है, ये बेस है, बेस और ट्रेबल दोनों फुल पे है अभी, और वॉल्यूम को अराउंड में अभी 25 पे कर दिया हूँ, और मोबाइल से इसको 80 पे रखेंगे, 80 से ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सॉन्ग प्ले कर देता हूँ, फिर आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ कैसा क्वालिटी आ रहा है। आप लोग देखेंगे मैं साथ के साथ वॉल्यूम भी बढ़ाऊंगा वीडियो में ही। तो फ्रेंड्स अभी मैं बेस को पूरा जीरो कर देता हूँ, फिर आप लोग देखेंगे बेस जीरो हो गया अभी, अब हम वॉल्यूम फुल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देखते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बेस आ रहा है, और मेरे को लग रहा है इसका अराउंड 60 से ज़्यादा करूँगा, अगर मैं वॉल्यूम 60% से ज़्यादा, तो ये सबवूफर उड़ भी सकता है, क्योंकि 200 वाट का एम्पलीफायर है फ्रेंड्स और अपना सबवूफर बहुत कम वाट का है। तो फ्रेंड्स इसमें से हल्का सा स्मोक टाइप का आया, शायद वीडियो में विजिबल ना हो, और यहाँ पे इसका ये थोड़ा सा हीटिंग भी लग रहा है मेरे को, ये जो कॉइल है यहाँ पे हीटिंग हो जाता है, तो इसका हल्का सा हीटिंग भी लग रहा है। तो इसको अभी मैं टेस्टिंग को यहीं पे रोक दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा इसका साउंड क्वालिटी, हल्का सा वॉल्यूम अपन चलाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये फिर उड़ा भी सकता है, इसको 4-5 इंच आराम से उड़ा देगा, अराउंड ये 8 इंच तक भी ये बोर्ड, अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे चलाएंगे तो ये 8 इंच भी उड़ा देगा। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड्स इसमें 12 से 15 इंच यूज़ करेंगे तो सही रहेगा, और नहीं तो फिर ये उड़ा सकते हैं बाकी आपके जो सबवूफर है उनको। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा इसमें स्टार पार का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वैसे तो ये रिकमेंडेड टेस्ट नहीं है, क्योंकि बड़ा एम्पलीफायर है, छोटा स्पीकर है, और ये जो अपना एम्पलीफायर है ये बड़े स्पीकर के लिए बना है, और ये जो अपना सबवूफर है ये सिर्फ 20 से 30 वाट का जो अपना एम्पलीफायर रहता है होम थिएटर का, उसके लिए बना है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका साउंड भी है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ वैसे टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को इसको टेस्ट करके दिखाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पलीफायर स्पीकर से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।